हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। लालकुआं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोड किनारे लगी 16 लाइटों की बैटरी के चोरी के मामले में दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस के पास पिछले कई दिनों से इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी, जिस पर लालकुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो चोरों को 2.5 लाख रुपए कीमत की 16 बैटरियों और एक साइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद मामला पंजीकृत करते हुए उनको जेल भेजने की कार्रवाई की गई। शिकायत आ रही थी कि कोई सोलर जो लाइट्स हैं इसकी बैटरी चुरा के ले जा रहा है। इस संबंध में लोकल प्रधान द्वारा जब हमें शिकायत दी गई तो इसमें हमने तुरंत FIR रजिस्टर करके टीमों का गठन किया गया तथा इसमें जो लोकल लालकुआं और हल्दूचौड़ क्षेत्र के CCTV देखे गए। तो इस संबंध में कल 7:30 बजे यहाँ लालकुआं क्षेत्र से ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो साइकिल में इन बैटरियों को चुराया करता था। पूछताछ करने पर इसमें पता चला है कि लोकल कबाड़ी भी इसमें इन्वॉल्व था जिसमें ये बैटरियाँ बेचा करता था। दो आरोपी गिरफ्तार हुए तथा 16 बैटरियां तथा एक साइकिल जो चोरी में प्रयुक्त होती थी उसको हमने रिकवर किया। कबाड़ी लोकल कबाड़ी है, वैसे इसके द्वारा पूछा गया है, जब हमने पूछा है तो इसके द्वारा बताया गया है कि ये लोकली तथा किच्छा में भी इसका था नेटवर्क, उसके भी संबंध में इन्वेस्टिगेशन में जाँच की जाएगी। ये 16 बैटरियाँ हैं जिनकी 2.5 लाख के लगभग कीमत है। चोर पकड़ा गया है, इसका पुराना भी रिकॉर्ड है, पहले भी ये बैटरी चोरी में जा चुका है, बिंदुकत्ता क्षेत्र का ही है। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।